आनंद व्यास अगेन अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं और एग्जाम की तैयारियों में लगे हुए हैं। बहुत से बच्चों का ऑलरेडी कमेंट आ चुका है कि एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन जो आपका सब्जेक्ट है AKTU के अंदर MBA थर्ड सेम में चल रहा है, कल उसका प्रोबेबली शायद एग्जाम है, तो सर आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करा दीजिए या शॉर्ट नोट्स या आप उसके डिटेल वीडियो बना दीजिए। तो मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ आज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनको दी मोस्ट इसलिए कहा है क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली मैंने जो एनालिसिस करा है AKTU के सिलेबस का, AKTU के लिए स्पेशली है ये कि ये सिलेबस का कि ये वाले क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस ज्यादा है और अगर मैं इसका एग्जामिनर होता तो ये क्वेश्चन तो मैं इसके अंदर जरूर ही रखता। तो एग्जाम में जाने से पहले आखिरी बार ये सारे के सारे क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लीजिए, इनका आंसर जरूर देख लीजिए, ठीक है। बिना कोई वक्त गवाए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं और आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। यदि आप BBA, MBA, BCom या UGC NET के स्टूडेंट हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जानने बहुत जरूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप या इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर सब्जेक्ट के अंदर कौन से क्वेश्चन जो हैं वो बार बार से रिपीट होते हैं। तो बिना कोई वक्त गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहता है डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अब इनोवेशन क्या होता है और क्रिएटिविटी क्या होती है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, थोड़ा सा आंसर भी बता रहा हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी, इसके राइटअप करने में आसानी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है फर्स्ट यूनिट से। इनोवेशन यानी कि कुछ आपने न्यू क्रिएट करा, क्रिएटिविटी के भी अंदर आप न्यू ही क्रिएट करते हैं लेकिन इनोवेशन किसी कॉज के कारण होता है, ठीक है। क्रिएटिविटी के अंदर आपका कोई इसमें रिस्क भी नहीं रहता और कोई कॉज भी नहीं रहती, आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इनोवेट करते क्रिएटिव करते हैं, जबकि यहां पर आपका जो इनोवेशन रहता है वो किसी कारण से, जैसे कि अपन ने जो कोरोना की वैक्सीन बनाई है, जो भारत ने कोरोना की कोवैक्सीन और कोविशील्ड बनाई, बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है, वो इनोवेशन के अंदर में आएगा। और हमने अगर कोई डिजिटल इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन करा है, कोई अब जो ऑनलाइन टिकट सिस्टम है उसको और अपडेट किया गया है, तो वो क्रिएटिविटी के अंदर आएगी। मीन्स के जो पुराने साधन थे हमारे पास उन्हीं को नया अपडेशन किया, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कोई नई चीज खोज निकाली, वो इनोवेशन आ गया। पुराने साधनों पे अगर अपन ने कुछ नया अपडेशन करा तो वो क्रिएटिविटी आ गई। एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने बता दिया, डिटेल ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफाइन द इनोवेशन टाइप और क्रिएटिविटी डिस्ट्रक्शन। अब ये इनोवेशन टाइप काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला है। चार तरीके के इनोवेशन टाइप्स होते हैं, उसके साथ में क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन क्या होता है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कुछ तोड़ना लेकिन क्रिएटिव मैनर में, जैसे कि कोई नई टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आप बेसिकली एग्जांपल ले सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजी की, कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड होती है तो हम उसमें क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होता है। मीन्स के कोई नई टेक्नोलॉजी आई मार्केट के अंदर तो हमने पुरानी टेक्नोलॉजी को बंद कर दिया, तोड़ दिया, उसका रिसाइकल करा, वो क्रिएटिव हुआ। जैसे कि टेलीफोन की जगह अगर मोबाइल फोन आ गए तो मोबाइल फोन जो आज वायरलेस फोन आए थे पहले, उसके बाद मोबाइल फोन आए थे, तो ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन हुआ। मींस कि आपने टेक्नोलॉजी अपडेट करने के लिए करा, तो ये भी बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्रेन्योरशिप को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लीडरशिप स्टाइल, पर्सन की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, उसका डिसिप्लिन, हार नहीं मानने की क्षमता, ठीक है, उसकी इंटेलिजेंसी, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप को इफेक्ट करते हैं। ये सारे फैक्टर्स भी बार बार पूछे जाते हैं। यहां पर आप एंटरप्रेन्योरशिप की जगह अगर आप एंटरप्रेन्योर का भी लिख देंगे तब भी सही होगा। यहां पर आप किसी एंटरप्रेन्योर की जगह अगर लीडरशिप की क्वालिटी भी लिख देंगे तब भी आपका गलत नहीं होगा। ओवरलैप करती हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, ओवरलैप करती हैं इसकी क्वालिटीज, तो आपको यहाँ पे परेशान होने वाली बात नहीं है। इसमें अगर फैक्टर्स में और बात करी जाए, अगर यहाँ पे पर्सन को ना देखे, अगर अपन एनवायरमेंट की बात करते हैं तो इनर एनवायरमेंट और आउटर एनवायरमेंट। आउटर एनवायरमेंट में गवर्नमेंट लॉज हो गई, पॉलिसीज हो गया, इंटरनेशनल मार्केट कंडीशन हो गई। इनर एनवायरमेंट में हमारे पास लेबर जो होती है, प्लांट की कैपिटल जितनी लगाते हैं हम, हमारे पास जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी स्किल जो होती है, इनर और आउटर, आउटसाइड फैक्टर, इनसाइड फैक्टर, ये दो फैक्टर्स भी इसके अंदर कर सकते हैं। और अगर एंटरप्रेन्योर की बात करें तो उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी लिख सकते हैं, काफी इजी है, ठीक है।
एग्जाम का समय, इसलिए अपन ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनको जस्ट अप्रोच कैसे करना है मैं वही बता रहा हूँ। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे जरूर बताइएगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि ये कितने क्वेश्चंस आपके आए एग्जाम के अंदर, नहीं आए, और आपको कितने के आंसर ऑलरेडी पता थे। सबसे ज्यादा बार बार हर जगह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर्स और मैनेजर्स में क्या डिफरेंट होता है, क्या डिफरेंस होता है। भाई साहब, एंटरप्रेन्योर और लीडर्स भी अलग होते हैं, एक अलग वेराइटी लीडर्स की भी पाई जाती है, क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये होता है कि ये रिस्क ले लेते हैं, ये सोशल कॉज के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? कोई कॉज के लिए, यानी कि कोई कारण होता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करते हैं। जबकि मैनेजर, जैसे कि अगर मैं 50 लाख के कैपिटल से एक मॉल ओपन करता हूं जिसमें मैं नॉर्मल यूटिलिटी का सामान, जैसे कि किराने का सामान सेल करता हूं, जैसे बिग बाजार टाइप, तो वो मैनेजर की कैटेगरी में आएगा। लेकिन ओला, उबेर, जोमेटो, स्विगी, इन्होंने क्या करा, हम सबको एक नीड दी कि हमको खाना ऑनलाइन ऑर्डर करना था, कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था, मेरे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना था, कोई साधन अवेलेबल नहीं था, तो ओला, उबेर, वो सब एंटरप्रेन्योर में। क्यों? क्योंकि ये सोशल किसी कॉज के कारण हुए हैं। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट, और मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल ये छपने वाला क्वेश्चन में से एक है। एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, डेवलपिंग कंट्रीज, फाइनेंस ऑफ। अब सबका, तीनों का आंसर एक ही है, इसलिए मैंने एक में ही लिखा है। तीन क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया, वहां पर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन से होते हैं। तो आपको यहाँ पर बैंक लिखना है। सबसे पहले गवर्नमेंट बॉडीज होती है, गवर्नमेंट बॉडीज में लाइक नाबार्ड आपका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एमएसएमई बैंक इसके अंदर आते हैं। अब यहां पर आपको प्रधानमंत्री जी की दो तीन योजनाएं लिखनी है, जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं जो चल रही हैं, कि एमएसएमई के लिए कौन सी योजना चल रही है, 5 लाख रुपए तक का ऋण मिल रहा है, अब तो 1 करोड़ रुपए तक की उसकी राशि करी गई है, पर 5 लाख रुपए तक की योजना का जो ऋण दिया जा रहा है एमएसएमई के लिए, वो आपको यहाँ पर लिखना है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्टार्टअप इंडिया के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, डिजिटल इंडिया के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, वो सारे के सारे विद एग्जाम्पल इसके अंदर लिखने हैं। ठीक है, पांच क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं, थोड़ा थोड़ा जिस्ट भी मैंने बता दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, 7-8 क्वेश्चन है, पर जो मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी अगर आपके 8 क्वेश्चन भी आपके अगर प्रिपेयर हो गए, तो दोस्तों यकीन मान लीजिए कि लगभग लगभग आपका पेपर इसके बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, एक्सप्लेन द न्यू इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसी बनाई है, पीएम मोदी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर की कौन कौन सी पॉलिसी है, सीएम की कौन कौन सी पॉलिसी है, कोई भी 3-4 पॉलिसी आपको याद करके चली जानी है। ठीक है, प्रधानमंत्री की कौन कौन सी पॉलिसी है, कितना स्टार्टअप में फंड दिया जाता है, याद नहीं हो रहा हो तो 5 लाख रुपए का रकम याद रख लेना, 5 लाख रुपए की स्टार्टअप पॉलिसी है। अब इसको कह रहा हूं कि 1 करोड़ तक का इन्होंने करा है बजटिंग, ये मनमोहन सिंह सरकार से समय से चल रही थी, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड रिपोर्टिंग पीएम मोदी के आने के बाद 2014 में, इसमें थोड़ा ज्यादा स्टार्टअप इंडिया, इनोवेटिव प्रोग्राम्स, ये सारे आपको याद रखने। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनता है, कि कौन सी एंटरप्रेन्योरशिप की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, इसके ऊपर नोट्स पूछा जा सकता है, डिटेल क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, न्यू वेंचर स्टार्ट करते हैं तो उसमें कौन सी वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टिंग। अब एंजल इन्वेस्टिंग कौन होता है, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करता है, याद रखना, जो फर्स्ट टाइम बिग अमाउंट इन्वेस्ट करता है वो एंजल इन्वेस्टर होता है। बिल्कुल याद रखना कि एंजल इन्वेस्टर कौन होता है, जो फर्स्ट टाइम बिग अमाउंट इन्वेस्ट करता है किसी भी स्टार्टअप के अंदर, किसी भी नए आइडिया के अंदर, वो एंजल इन्वेस्टर होता है। वेंचर कैपिटल यानी कि आपने जिस पूंजी से स्टार्ट किया, कैपिटल और वेंचर कैपिटल दोनों सिमिलर ही है, नॉर्मली हम कैपिटल ही बोलते हैं। वेंचर कैपिटल जिस पूंजी के साथ अपन ने व्यापार शुरू किया, वो वेंचर कैपिटल के अंदर में आ जाती है। नेक्स्ट है, हम ये कौन कौन से चैलेंजेस इसके अंदर में आते हैं। सबसे पहला, नया आइडिया अडोप्टेशन में प्रॉब्लम लगती है, उसकी यूजफुलनेस बताने में प्रॉब्लम लगती है। पहली बार ही जब ऑनलाइन मार्केटिंग आया, ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट हुई, तो तुरंत उसने इंडिया में सारे लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग पे स्विच नहीं हुए, उन्होंने देखा कि ये ऑनलाइन शॉपिंग करने से कितना नुकसान है, क्या हमको तो प्रोडक्ट देखने को ही नहीं मिल रहा, एक्चुअल विजिबिलिटी नहीं है। फिर जैसे जैसे अडोप्टेशन बढ़ा, यूथ के अंदर अडोप्टेशन बढ़ा, ओल्डर एज में भी अब शुरू हो गया, लोअर एज के अंदर भी अब बिल्कुल एकदम बूम पे चले जा चुकी है,
हर जना ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर कुछ ना कुछ जरूर खरीदता है। तो यूजफुलनेस हमको आइडिया नया जनरेट करना पड़ता है। मींस कि आपको ये एग्जांपल देने हैं कि अगर आप कोई नया बिजनेस करेंगे, आप कोई नया ओपन इनोवेशन करेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तो आपके सामने कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज आएगा फाइनेंस का, कैपिटल का। सेकंड आएगा आपको बिजनेस एक्सपांड करने के लिए जो एडवर्टीजमेंट होता है। थर्ड उसका यूजफुलनेस, उस आइडिया के बिलोंगिंगनेस। हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव हो, बहुत ही ज्यादा आइडियल हो, लेकिन क्या वो वास्तव में लोग उस चीज को समझ पा रहे हैं? उसको जब तक नहीं समझेंगे तब तक वो चीज चलने वाली नहीं है। नेक्स्ट होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस यूनिट्स और स्टार्टअप गोइंग अप आईपीओ। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दिए हैं। एक रजिस्ट्रेशन भी पूछा जाता है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है। रजिस्ट्रार के पास जाके, रजिस्ट्रार हर एक कलेक्ट्री के अंदर ऑफिस होता है, वहां पर जाकर हर अलग अलग भी होता है। कहीं बड़ी, जैसे कि बड़ी सिटी है, जयपुर है, अहमदाबाद है, गांधीनगर है, पटना है, इलाहाबाद है, वहां पर एक अलग ही ऑफिस बन जाता है कंपनी रजिस्ट्रेशन का। बल्कि नॉर्मली जो होता है कलेक्ट्री के अंदर इसका ऑफिस होता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर वहां जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट होती है, वो सबमिट करनी होती है, जिसके अंदर पैन नंबर, टिन नंबर और कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। नॉर्मली आजकल काम तो वैसे सीए करता है। 10,000 रुपए का इसकी स्टार्टअप शायद प्राइस चल रही है कंपनी रजिस्ट्रेशन की। नेक्स्ट आईपीओ। आईपीओ क्या है? इश्यू पब्लिक ऑफर। जो नए नए, जैसे आपको इसके अंदर पेटीएम का एग्जांपल लिखना है, जोमेटो का एग्जांपल लिखना है। पेटीएम ने इंडिया के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च किया था, ठीक है। 1,00,000 करोड़ रुपए की कंपनी की है ये पेटीएम। उसने अपना आईपीओ लॉन्च करा, लॉन्च करते ही वो 25% तक गिर गया था आईपीओ। तो भी आपको ये याद रखना है कि आईपीओ क्या होता है, इशू पब्लिक ऑफर, यानी कि आप अपने शेयर पब्लिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और बदले में पब्लिक क्यों खरीदती है? कैपिटल गेन के लिए, और शेयर के प्राइस बढ़ जाएंगे इसलिए खरीदती है। कंपनी आपकी कुछ हिस्सेदारी खरीदती है और बदले में आप उनको डिविडेंड देते हैं या उनको कैपिटल गेन मिलता है। तो ये आईपीओ क्या होता है, बहुत सिंपल है, आप सबको पता ही है, आप सभी आजकल इन्वेस्टमेंट के किंग बन चुके हैं। लेकिन अभी यह भी याद रखना है कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है किसी भी स्मॉल स्केल कंपनी का। ये 8 क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल के एग्जाम के लिए। तो प्लीज ये सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाइएगा। आप एमबीए के स्टूडेंट होंगे तो भी ये इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट के लिए ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है हर यूनिवर्सिटी। मीन्स मैंने AKTU का ही एनालिसिस नहीं किया, यहाँ पे 4-5 यूनिवर्सिटी का एनालिसिस करके मैंने मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पर्सनल 9 ईयर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे क्वेश्चन लिखे हैं। अगर कोई इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, प्लीज मुझे रिप्लाई जरूर कीजिएगा एग्जाम होने के बाद। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।